पिछले 2 दिनों से मेरी स्किन में बहुत ज्यादा इचिंग हो रही थी, बेवजह। ऐसा लग रहा था कि ना नाखूनों से छील दो स्किन को। पता नहीं, मे बी ड्राइनेस की वजह से या डेड स्किन ऊपर थी, ड्राई फ्लेक्स की वजह से बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही थी और खुजली करने की वजह से स्किन बहुत ज्यादा लाल भी हो गई थी। देन मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मेरी स्किन में ये प्रॉब्लम हो रही है और उन्होंने मुझे एक अमेजिंग सा उपटन बोलो या DIY मास्क घर पे बनाने को बोला और वो अप्लाई करने के लिए कहा। मैंने उसको अप्लाई किया एंड उसके बाद वो प्रॉब्लम तो फिक्स हुई, साथ में जो अभी मेरे स्किन पे मुझे ग्लो नजर आ रहा है ना, सिर्फ एक प्रोसेस को फॉलो किया और जैसा उन्होंने मुझे बताया वैसा मैंने पूरा स्टेप क्लियर किया और उसके बाद स्किन इतनी ज्यादा, मतलब जो ब्लश कर रही है ना, मे भी हो सकता है थोड़ा सा रब करने की वजह से, बट जो भी है इसका जो रिजल्ट मुझे मिला ना, मैं इसके साथ सचमुच बहुत ही खुश हूँ। तो चलिए मैं इस वीडियो को या इस मेथड को आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे मैंने इस प्रॉब्लम को सही किया, साथ में ये जो नेचुरल ग्लो मुझे मिल रहा है ना, अभी मेरी स्किन पे कोई भी मेकअप नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं कर रखा। तो ये है कॉटन पैड और इससे हम जितना मर्जी उतना रगड़ेंगे कुछ भी नहीं है स्किन में। स्किन इतनी ज्यादा स्मूथ लग रही है ना, रफनेस है, मतलब एकदम सॉफ्ट स्मूथ या ब्लश कुछ भी कह सकते हो, मैं तारीफ नहीं कर सकती, बट ऐसे हाथ फेर रही हूँ ना, बहुत ही स्मूथ सरफेस लग रहा है। तो जो भी है, जितनी भी ड्राइनेस थी वो रिमूव हो चुकी है, जो डलनेस या कालापन था वो भी निकल गया है और स्किन बहुत ही ज्यादा ग्लो कर रही है। तो चलिए इस अमेजिंग मेथड को मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जो भी मैंने शूट किया है, क्योंकि मुझे आपके साथ ये वीडियो शेयर करनी थी। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज हम इंट्रो स्किप कर देते हैं, बस सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, साथ में अगर वीडियो हेल्पफुल लगे, पसंद आए तो लाइक भी कर देना। तो इसके लिए मैंने जो घर पे आटा होता है ना, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आपको आटे को चालना नहीं है, चोकर के साथ में आपको 1 टेबल स्पून आटे को यूज करना है। वीट में फाइबर होता है और जब हम इसके आटे को यूज करते हैं तो जो चोकर होता है उसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है जो कि हम जानवरों के लिए भी यूज करते हैं, तो उसके साथ में ही हमें इसको लेना है ताकि हमारी स्किन में एक्सफोलिएशन की प्रोसेस भी हो सके। मीन्स उनके कहने का मतलब था कि जो स्किन फटी हुई होगी वो निकल जाएगी। तो मैंने 1 टेबल स्पून आटा लिया, उसके बाद मैंने उसमें ऐड किया अपनी तरफ से 1 टेबल स्पून कॉफी पाउडर। हालांकि उन्होंने मुझे कहा था कि बेसन ऐड करने के लिए, बेसन आज घर में था नहीं तो मैंने सोचा इसमें कॉफी पाउडर मैं ऐड कर देती हूँ। वैसे मुझे कॉफी के बारे में पता है तो मैंने अपनी तरफ से इसमें कॉफी ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया शहद, जैसा कि उन्होंने बोला था कि आप इसमें थोड़ा सा शहद ऐड कर देना, और उसके बाद आप इसमें लेमन जूस ऐड कर देना। बट मैंने बताया कि स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो रही है और जलन भी हो रही है तो मे बी लेमन यूज करना ठीक नहीं होगा, और विंटर में मैं लेमन बहुत कम यूज करती हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लेमन को स्किप करके एप्पल साइडर विनेगर को यूज कर लिया। अगर आपको लेमन सूट करता है देन आप यहाँ पे 1 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड कर सकते हो इसमें। और उसके बाद हमें इसमें ऐड करना था 2 चम्मच दही, जो कि मेरे पास था और वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। दही से ये होगा कि जो हमारी स्किन में जलन हो रही है या खुजली हो रही है, रेडनेस है, वो शांत हो जाएगा। तो 2 टेबल स्पून दही ऐड करने के बाद इसे हमने अच्छे से मिक्स करके इसका DIY उपटन बोलो या जो भी फेस मास्क है वो हमने रेडी कर लिया, और उसके बाद फिर मैंने इसे अपने फेस पे अप्लाई किया। तो इस वक्त मेरी स्किन पे कुछ था नहीं क्योंकि मैं घर पे ही थी तो इसलिए मैंने क्लीन नहीं किया, लेकिन अगर आप बाहर से आ रहे हैं या आपने इससे पहले मेकअप कर रखा तो ऑफकोर्स आप मेकअप को रिमूव करेंगे क्योंकि मेकअप के ऊपर तो स्किन केयर काम नहीं करता। इसके समटाइम ऐसा होता है कि बाहर से आते ही आप अपने फेस पे मास्क अप्लाई कर लेते हैं या स्क्रब कर लेते हैं, सबसे पहले आपको अपनी स्किन को क्लीन करना होता है। ठंड में अगर आप बार बार मुंह नहीं धोना चाहते तो आप मिल्क का यूज कर सकते हैं, टोनर का यूज कर सकते हैं, राइस वाटर का यूज कर सकते हैं इस तरीके के कॉटन पैड में, और उससे आप वाइप कर सकते हैं। उसके बाद हमें इस DIY को अप्लाई करना है और 10 से 15 मिनट के लिए, मीन्स जितना भी टाइम इसे हल्का हल्का ड्राई होने में लगता है, हाफ ड्राई करना है और हाफ हल्का हल्का वेट रखना है। उसके बाद आपको हल्के हल्के हाथों से इसे रब करना है। जो मेरा फेस स्टार्टिंग में आपको अभी भी थोड़ा सा रेड नजर आ रहा है बीच बीच में, ये इसी वजह से क्योंकि थोड़ा थोड़ा रब करने की वजह से वो रेडनेस आ जाती है, नेचुरल ब्लश हमारी स्किन में दिखाई देने लगता है। तो अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं, 2-3 ड्रॉप आपको ऑयल अपने हैंड पे रखना है और उसके बाद आप उसी के थ्रू इसे हल्का हल्का रब करेंगे तो आसानी से सारा रिमूव हो जाएगा। जो प्रोसेस हम उपटन के लिए फॉलो करते हैं मुझे उन्होंने सेम वैसा ही बोला था, लेकिन मैंने यहाँ पे ऑयल का यूज नहीं किया क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्लिपी हो जाता है, तो इसलिए मैंने हैंड से डायरेक्टली ही रब किया। और उसके बाद पूरा फेस रब करते हुए जो भी मास्क था वो हमने रिमूव कर दिया, हटा दिया फेस से, और देन फिर मैंने सिर्फ नॉर्मल वाटर से हल्का हल्का पहले पानी को गर्म कर लिया था, गुनगुना जैसे ल्यूक वार्म वाटर,
उससे मैंने अपने फेस को क्लीन किया, देन वाइप किया और जो भी रिजल्ट है वो आपके सामने मैं बता नहीं सकती। देखो ग्लो तो आप खुद देख लो, लेकिन मैं जब टच कर रही हूँ ना स्किन को, स्किन बहुत ही ज्यादा काल्म है, मतलब शांत है, एकदम स्मूथ, बहुत ज्यादा चिकनी चिकनी फील हो रही है कि अब ऐसा लग रहा है अगर मैं इसके ऊपर कोई मेकअप करती हूँ ना तो क्या ही अमेजिंग लुक क्रिएट होगा। तो आप भी इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो और बचा हुआ जो मास्क था वो मैंने अपने हैंड के लिए यूज कर लिया। आप अपने लेग पे या कहीं भी आपको नेक पे प्रॉब्लम है आप वहां पे भी यूज कर सकते हो। तो मीन्स आपको इसे वेस्ट नहीं करना है, चाहो तो किसी और को भी अप्लाई कर सकते हो घर में। तो एक बहुत ही इजी प्रोसेस है। ऑलवेज हम ये सोचते हैं, समटाइम मैं भी ये सोचती हूँ कि 4 से 5 स्टेप को फॉलो करने से हमारी स्किन में ग्लो आता है, और समटाइम हम करते भी हैं, लेकिन जो हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स हैं उन्हें पता होता है कि एक्चुअली में ब्यूटी के सीक्रेट्स क्या हैं और जो कि हमारी स्किन के लिए नुकसानदायक ना हो। तो ये वाला उपदंत मुझे सच में बहुत ही पसंद आया, तो एक लाइक मेरी मम्मी के लिए क्योंकि ये रेसिपी उनकी है। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, और कमेंट करके कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉच फुल वीडियो, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।